आज की तारीख में देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, उसके स्केल पे या तो मतलब वो कितना बड़ा क्राइसिस है या किस तरह का क्राइसिस है, या तो उस पर वो झूठ बोले, उन्होंने गलत तथ्य दिए, या फिर उन्होंने उसको इग्नोर किया। 55 मिनट की कल प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी, मैंने उसको शाम को इंटरनेट पे सुना। उसमें दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से सामने निकल के आती हैं। एक तो उन्होंने जीडीपी के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि किसी एक क्वार्टर में जीडीपी के लो होने से देश की इकोनॉमी को कुछ नहीं होता। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, बात एक क्वार्टर की नहीं है। जीडीपी में किसी भी वक्त 1% का भी लॉस होता है तो वो इस देश को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाता है, देश की इनकम को। तो पहली बात तो इसको भी हल्के में ना लें कि किसी भी एक क्वार्टर में जीडीपी नीचे गई तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप झूठ बोल रहे हैं कि किसी एक क्वार्टर में गई। पिछले छः क्वार्टर से लगातार जीडीपी नीचे जा रही है। 9.1% से आप देश की जीडीपी को 5.7% पर ले आए हैं और आप कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये छोटी सी बात है, ये मामूली सी बात है, मामूली सी गिरावट है, किसी एक क्वार्टर की मामूली सी गिरावट है। इस देश में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहते हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश में बहुत सारे लाखों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप उनको ऐसे ही हल्के में चुनावी भाषण से, जुमले से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि एक क्वार्टर में अगर मामूली सी जीडीपी में गिरावट आ गई तो इतना हो हल्ला क्यों है। जीडीपी में एक क्वार्टर में आई हुई मामूली सी गिरावट नहीं है, ये देश पिछले 1.5 साल से लगभग और पिछले 6 क्वार्टर से लगातार जीडीपी में भारी गिरावट देख रहा है। 9.1 से 5.7% आ चुकी है, और ये भी तब है जबकि आपने जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज किया है। आपने कहा, मैं थोड़ा सा इतिहास भी बता दूं, इतिहास और लोगों को भी पढ़ना आता है। इतिहास में जीडीपी किस रूप में कैलकुलेट की जाती थी और आपने सत्ता में आने के बाद जीडीपी के कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूले लगाए हैं, अगर उन दोनों को मैच करने के देखेंगे तो ये जो आज 5.7% की जीडीपी है ये कहीं 4% पे जाके खड़ी होगी। इसको कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं, मुझे नए सिरे से इसको कहने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर पुराने फॉर्मूले के आधार पर करंट डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी 5.7% भी नहीं है। और फिर आपको 5.7 तो एक्चुअली तो 5.7 भी नहीं है अगर पुराने फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सरकार का अपना फॉर्मूला होता है, अपने स्टैंडर्ड होते हैं हर साल के कैलकुलेशन, जीडीपी तो डेटा है, लेकिन आप भ्रमित ना करें कि पहली जीडीपी बहुत खराब थी, पहले इकोनॉमिक क्राइसिस था, पहली सरकार से इकोनॉमी देश की हैंडल नहीं हो रही थी, तभी तो देश ने आपको इकोनॉमी सौंपी थी। आप उसको अंडरप्ले कर रहे हैं कह के कि 2.3% तक जीडीपी रही है, 0.02 तक रही है। इस देश में तो लोग कभी बैलगाड़ी पे भी चलते थे कई सौ किलोमीटर तक, फिर आप बुलेट ट्रेन की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब एक जमाना था लोग पैदल चलते थे, आज आप हवाई जहाज की बात नहीं करेंगे, आज आप बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं? तो ये क्या तुलना हुई? इकोनॉमी को इस तरह के जुमलों से तोलने की कोशिश ना करें, ये सीरियस मसला है। इससे देश के व्यापारियों का व्यापार जुड़ा हुआ है, इससे देश के लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। इसको सिर्फ ऐसे हल्के में लाइटली तुलनाएं कर करके इसको इतना हल्का विषय ना बनाएं कि इस देश में तो 2.3% तक रही है, रही होगी। और इस देश में पिछली सरकार से, यूपीए की गवर्नमेंट से जीडीपी हैंडल नहीं हो रही थी, इकोनॉमी हैंडल नहीं हो रही थी, इसीलिए देश ने उनको हटा दिया, इकोनॉमी की कमान आपको सौंपी। और जब आपने जीडीपी, जब आपने देश की इकोनॉमी की कमान ली थी, उस वक्त जीडीपी देश की 6.1% थी पुराने फॉर्मूले के आधार पे। आज देश की जीडीपी नए फॉर्मूले के, आपके लाइटर फॉर्मूले के आधार पे भी 5.7% है। तो इसको इस रूप में ना पेश करें। उन्होंने अपने बहुत शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया है, उसमें एक शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करीब करीब 100 फैक्ट्स रखे कैसे उनकी सरकार रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रही है, कैसे एफडीआई पे बात कर रही है, कैसे इन्फ्लेशन रेट पे बात कर रही है,
लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि पिछले 3 साल में उनकी सरकार ने कितने जॉब्स क्रिएट किए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि 55 मिनट तक इकोनॉमी के भाषण पर, इकोनॉमी के संबंध में भाषण पर, जॉब क्रिएशन पर चर्चा हुए बिना इकोनॉमी की बात पूरी हो जाती है, वो भी एक ऐसे दौर में जब हर कोई इस बात से जूझ रहा है कि नौकरियां जा रही हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रहा है देश में, चारों तरफ से बात उठ रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं इकोनॉमी ठीक चल रही है। आप 100 डेटा देश के सामने रखते हैं, उसमें से एक भी डेटा आपका इस बारे में नहीं था कि कितने जॉब क्रिएट किए आपने देश में। इसका मतलब एक तरह से ये आपका फेलियर है, आप मान रहे हैं, क्योंकि आप 55 मिनट के भाषण में 100 पॉइंट्स रखते हैं इकोनॉमी के बारे में और एक भी पॉइंट आपका जॉब क्रिएशन के बारे में नहीं है। इसका मतलब जॉब क्रिएशन पे आपकी सरकार पिछले 3 साल में पूरी तरह फेल हो गई है और ये इस बात का सबूत है।